नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। ये देखिए, मकई का खेत बनने वाला है। मकई का रेसिपी यानी कि मैं स्वीट कॉर्न से बनाने वाली हूँ मजेदार रेसिपी। तो फटाफट इसे तोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मकई अभी छोटे छोटे हैं, यानी कि ये बेबी कॉर्न है, तो मुझे इसी की जरूरत है, तो मैं यही तोड़ लेती हूँ। तो यही पे देखिए कितने सारे मिर्ची लगे हुए, ये भी तोड़ लेती हूँ मैं। ये ग्रीन चिली। तो देखिए दोस्तों, मैंने इतना सारा तोड़ लिया, तो चलिए घर पे इसकी रेसिपी बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं इसे छील रही हूँ। ये देखिए बेबी कॉर्न। क्या आप लोगों को बेबी कॉर्न पसंद है? तो देखिए दोस्तों, यहीं पे मकई को मैंने छील लिया है। तो अब क्या करना है, इसे आधा पार्ट में कट कर ले रही हूँ मैं। और फिर हम गर्म होने के लिए रख दिया था, तो उसी में थोड़ा सा नमक मैं डाल दूंगी और सभी बेबी कॉर्न को इसमें डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेना है इसे, ज्यादा नहीं पकाना है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए बेबी कॉर्न ये बॉइल हो चुके हैं, तो मैं इसे अलग कर ले रही हूँ, छान ले रही हूँ इसे। इन्हें ठंडा होने से पहले इसकी कोटिंग कर लेना है फ्राई करने के लिए। देखिए दोस्तों, अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा मैदा, हल्का सा नमक डालूंगी। हल्का सा नमक बहुत ध्यान से डालना है। और यहीं पे मैं मक्के का आटा डालूंगी, तो आप मक्के का आटा ना हो तो चावल का भी आटा डाल सकते हैं। और हल्का सा काली मिर्च पाउडर और कॉर्नस्टार्च थोड़ा सा डाल लेना है, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, कोटिंग कर लेना है अच्छे से इसकी। और आपको ये कॉर्न को ठंडा नहीं होने देना है, इसे पहले ही ठंडा होने से पहले गर्मा गर्म इसकी कोटिंग कर लेना, ताकि वो चिपक जाए। तो गर्म रहेंगे तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हल्का सा इसमें पानी ऐड कर लेना है, ताकि अच्छे से और कोटिंग हो जाए इसकी, जितना जरूरत लगे। मोटी ही रखना है, पिघला नहीं देना है, पानी थोड़ा थोड़ा ही हमें ऐड करना है, नहीं तो पता चला पकौड़े गल गए। इस तरह से हमें सभी को चिपका लेना है अच्छे से, अपने हाथों से मसल देना है, ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख लिया था, तो कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लेना है। और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे गरम कर लिया है, तो मैं एक एक इसमें फ्राई करूंगी। हमें सारा एक साथ ही नहीं डालना, नहीं तो इसके लच्छे बन जाएंगे, चिपक जाएंगे एक ही में सब। एक एक करके डालना है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक एक करके फ्राई कर ले रही हूँ। करने वाली हूँ डबल फ्राई। तो इसे देखते रहना है, ये देखिए जैसे खिले खिले पक रहे हैं, तो इसे सुनहरा होने तक पका लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बेबी कॉर्न को इतना फ्राई कर लिया है, तो अब मैं निकाल ले रही हूँ। वैसे ही दूसरा बैच भी हमें तल लेना है।
तो देखिए दोस्तों, मैंने कॉर्न को डबल फ्राई कर लिया है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो इससे क्या है, रेस्टोरेंट जैसा लगता है, उसका रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आता है। अगर आपको एक बार ही फ्राई करना है तो एक बार में ही अच्छे से पका लें। फ्राई करने के लिए दोस्तों मैंने वेजिटेबल्स में लहसुन, अदरक, मिर्ची, कैप्सिकम, ऑनियन और टमाटो लिए है। आप अपनी कोई भी फेवरेट सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट सॉस बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने वही कढ़ाई ली है और उसी में मैं तेल कम करके पका रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन कम रहेगा चलेगा, लेकिन ये जो अदरक है, अदरक की क्वांटिटी थोड़ा हमें ज्यादा रखना है, तो इसी पे मैं कटी हुई अदरक डाल दे रही हूँ। और फ्लेम को मैंने हाई रखा है, तो अच्छे से सब्जियों को भून लेना है। तो मैं इसी के साथ इसमें मिर्ची डाल रही हूँ। मिर्ची यानी मैंने यहाँ पे ज्यादा लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। तो देखिए दोस्तों, ये पे कटी हुई प्याज मैं डाल दे रही हूँ। प्याज को थोड़ा मोटा ही काटा है मैंने, तो अच्छे से इसे भी भून लेना है। और साथ ही मैं यहाँ पे शिमला मिर्ची भी डाल दे रही हूँ। तो अच्छे से इसे तेज आंच पे अच्छे से भून लेना है, ताकि सब्जियों में क्रंच बना रहे। तो इसी पे मैं थोड़ा सा टमाटर भी डाल दे रही हूँ। तो चलाते हुए अच्छे से अलटते पलटते इसे पका लेना है सब्जियों को। लोहे की कढ़ाई में अगर हम मंचूरियन ये सब बनाते, तो लोहे की कढ़ाई में पकाने से बहुत सारे बेनिफिट्स रहता है। इससे हमें आयरन भी मिलता है, और पहले के लोग तो लोहे की कढ़ाई में ही ऑलमोस्ट सभी खाने बनाते थे। तो देखिए दोस्तों, सब्जी पक चुकी है, तो मैं इसमें सेजवान चटनी डाल रही हूँ। और यहीं पे मैं डालूंगी सोया सॉस तकरीबन 2 चम्मच, और यहीं पे मैं डालूंगी टमाटो केचप, सॉरी ये टमाटो सॉस है। और यहीं पे मैं डालूंगी ग्रीन चिली सॉस। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक चुटकी में अजीनोमोटो डाल रही हूँ, और यहीं पे मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। तो मिक्स कर ले रही हूँ मैं अच्छे से, और थोड़ी सी मैं चीनी डाल दे रही हूँ। घबराइए मत, इससे मीठा नहीं होगा। और चाहे तो आप मैदा या अरारोट लेके या कॉर्न स्टार्च भी लेके उसमें पानी मिला के इस तरह से थोड़ा थोड़ा इन सॉसेस में डालना है, ताकि सॉस हमारी मोटी हो जाए। आपको लगता है तो थोड़ा पानी और डालिए। मैं यहाँ पे हल्का सा फूड कलर डालूंगी, मुझे लाल कलर ज्यादा अच्छा लगता है, तो लाल कलर डाल रही हूँ मैं। और नमक थोड़ा सा ही डालना है हमें, क्योंकि हमने इतना सारे सॉसेस डाले हैं, तो उनमें भी नमक होता है, तो नमक का बहुत हिसाब से नमक डालना है। मिक्स कर लें अच्छे से। तब ये रेडी हो चुका है, तब क्या करना है हमें, ये बेबी कॉर्न है, तो इन बेबी कॉर्न को इसमें डाल देना है। टेस्टी, सुपर डिलीशियस रेडी हो चुका है। ये रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है कि नहीं, तो अपने फैमिली को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बाहर का अवॉइड करिए। तो देखिए, खुद ही बनाइए, खुद ही सबको खिलाइए। ये जितना बनाने में अच्छा लगता है, उतना खाने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये मंचूरियन रेडी हो चुका है। तो इसका ये बेबी कॉर्न मंचूरियन में प्लेट में ट्रांसफर कर ले रही हूँ, यानी कि निकाल ले रही हूँ, मेरी जबान फिसल गई। सो फ्रेंड्स, ये लग रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, ये भी मुझे कमेंट जरूर करें। तो मैं इस पे से हल्की सी प्याज डाल देती हूँ कटी हुई, और हल्की सी कैप्सिकम डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो वो भी डालिए, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। तो ये सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस
वाटरिंग और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं तो भाई खाने जा रही हूँ, तो आपको भी खाना है तो बनाइए फटाफट। चलो रेसिपी नोट कर लीजिए। तो ये मंचूरियन आपको पसंद आ गए हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर...